कि उन्हें डेंगू कृपया कर ना काटे। देखिए, ये जनता की भावना है और उनकी आजादी बिल्कुल विचारों के साथ जीने की आजादी, और जो हालात पैदा हुए और जिस तरीके की नेताओं ने शर्म हायापन का प्रकाष्ठा को लांग दिया, कोई स्टीमर पर बैठ के हाथ हिला रहे हैं, कोई दौड़ा उठा रहे हैं, कोई कहीं किसी के दुकान पे जाकर के सूप बांट रहे हैं, तो जिसने डुबाया, जिसने बर्बाद किया, अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का जो बिहार पटना में क्षति हुई, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। कचरा लगातार डंप हो रहा है, सभी जगह लोग खड़े हैं। कुछ जगहों को आप छोड़ दीजिए, कुछ सुनंदे घाट को, तो सभी जगह की घाट की स्थिति बुरी थी। लोगों ने अपने अपने तालाब बना करके, अपने अपने पानी भर करके जबरदस्ती, सरकार की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे बाईपास के उस बगल कई पोखर बने, मंदिरी में लोगों ने अपने प्रयास से, सब सामूहिक प्रयास से, और हम भी मंदिरी के बसिंदा है तो हमारा भी सामूहिक प्रयास से, एक नागरिक होने के नाते हम लोगों ने पानी भरवाई। इस तरीके से सभी जगह के हालात तो देखे गए। तो सर, पटना चाहती है कि आप हमें टैक्स से परेशान कर रहे हैं, आप सुविधा दे नहीं रहे हैं, और उल्टे आप हर तरह की परेशानी हमारे लिए सबब बनते जा रहे हैं। पूजा में आपने फेस ज्यादा चमकाया, आपने अखबारबाजी में ज्यादा आपने। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है ये मूर्तियां कितना लोगों के मानसिकता पर असर डालेंगे विधानसभा चुनाव? ये जनता तय करती है, पप्पू यादव की नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। ये जिम्मेदारी भगवान है वो, और मुझे लगता है कि इससे कई करोड़ गुना ज्यादा असर 30 साल में जो इन लोगों ने जो एक पाप किया है, जनता के साथ जो धोखा किया है, जनता के साथ जो गद्दारी किया है, आप जिस रास्ते से जाइए, आप कैसे कह सकते हैं कि ठंडा आने दीजिए डेंगू ठीक हो जाएगा? और कल क्यों सूरज को अर्घ नहीं दिया गया, सिर्फ वक्त पर हम अर्घ दे दिए? इतना ट्रस्ट था कल पटना में, सर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में 1000 से ऊपर चला गया, मौत के नजदीक हम चले गए हैं, और यहां 400 साढ़े 400 से ऊपर 500 क्रॉस कर गए हैं। तो क्या बिहार विपत्ति से बाहर कभी नहीं जाएगी? क्या हम विपत्तियों के अंबार में जिएंगे? हमारी जिंदगी विपत्ति से जाना जाएगा, विपत्ति और भय के वातावरण से बिहार कभी निकलेगा या नहीं? और जब हमको भगवान के भरोसे ही जीना है, ठंडा आ जाएगा तो डेंगू ठीक हो जाएगा, गर्मी ज्यादा हो गई तो इसीलिए चिकनगुनिया हो गया, नेपाल में पानी जब पड़ रहा है तो बारिश, हम क्या करेंगे, यहां हत्या हो गई, तो जब बिहार की जनता को किस्मत, भाग और भगवान के भरोसे ही जीना, तो आप लोकतंत्र के महापर्व, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है चुनाव, आप उसको रोकिए और बकस दीजिए। जनता आपसे परेशान हो चुकी है, और यह जो चित्र है उसी का मूल्यांकन है कि ये नेता लोग घर में सोते इन लोगों को अपने बीवी बाल बच्चे परिवार से फुर्सत नहीं होता, अब बाद में इन लोगों को डेंगू हो जाता है, ये लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पूजा से ज्यादा इन लोगों को विपत्ति में जनता के साथ रहने की जरूरत है, न कि फेस संकाने की जरूरत है।